जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको सफल बनाने में बहुत लोगों का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी प्रोग्राम इतना सिंपल नहीं होता कि जस्ट एक दिन में आप प्लान करो और प्लान करके उसको रियल स्टेज पे उसको प्ले कर सको। इसमें मैं समझता हूँ जो बच्चे टैलेंटेड हैं, साथ में हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, दे आर ऑल्सो टैलेंटेड, सो मच टैलेंटेड। इनको पता है कि किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है, कहाँ टैप करना है, किसको किस प्रोग्राम में डालना है, किस लेवल तक का उसको रिहर्सल कराना। एक जोरदार ताली हमारे टीचर्स के लिए होनी चाहिए। यू रियली डिजर्व अ ग्रेट अप्रिसिएशन। प्रिंसिपल साहब अच्छी तरह से स्कूल को चला रहे हैं। आई थिंक अगर हम एकेडमिक की बात करें उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और कल्चरल की बात करें तो आप सभी ने देखा ही है कि सभी बच्चे कितना मेहनत करके कितना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एक टाइटल दिया हुआ था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? सही बोल रहा हूं ना? जस्ट सी जो प्रोग्राम में भी आपको दिखा होगा कि उसमें भी डाइवर्सिटी दिख रही थी। कहीं आपको हरियाणवी डांस का कहीं दिख रहा था, कहीं राजस्थानी डांस का दिख रहा था, कहीं वेस्टर्न डांस का भी दिख रहा था। तो आई थिंक कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज देयर। दो प्रोग्राम मुझे काफी टची लगे। एक तो जो समाज में एक कुरीति है, दहेज प्रथा की है, जिसपे काफी अच्छा इन लोगों का स्किट रहा उसमें। आई थिंक इसको देख के मुझे लगा कि कुछ चीजों में हम लोग लाइक कर रहे हैं। आई थिंक 2013 बिफोर दैट एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता था अपने रूम सागर में, हम लोग कराते थे उसको, तो वो बंद है। इस प्रोग्राम को देख के अभी मुझे ये आइडिया क्लिक किया और मैंने अभी सीएसआर की टीम को बोला है, जस्ट टेक्स्ट किया है कि इस साल हम लोग भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करवाएंगे, उसमें 10-20 कपल जो भी होंगे विल सपोर्ट द सोसाइटी। सेकेंड जो प्रोग्राम एक था इसमें ट्रांसजेंडर पे था, जिसमें एक टची सेंटेंस था, हर रंग सुंदर होता है, रियली सुंदर होता है। ये हमारे आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं। जैसे अभी गुप्ता जी ने बहुत कुछ मेरे बारे में बोला, आई थिंक ये मेरे अंदर है कि नहीं है, बट आप लोगों का नजरिया इतना बढ़िया है कि शायद आपको अच्छी चीज दिख रही है उसमें। हमें नजरिया अपना सही रखना चाहिए, अच्छे बुरे कोई नहीं होते हैं। हमारा देखने का नजरिया किसी को अच्छा बनाता है, किसी को बुरा बनाता है। तो हमें भी कहीं कहीं बच्चों ने जो स्किप किया है उससे भी एक लर्निंग लेने का है, और सभी को बराबर की निगाह से देखना चाहिए। ये हमारे लिए भी लर्निंग है। लर्निंग हर स्टेज में होती है। आप कहीं भी किसी लेवल पहुंच जाओ, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यू कैन लर्न। जो बच्चों से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, बच्चों आपके पास बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, और जिस लेवल का आपने परफॉर्मेंस दिखाया है, रियली मतलब आप रियली एकदम डिफरेंट हो आप, यू कैन से। और पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को उड़ने के लिए, कहते हैं कि जैसे कोई पंछी उड़ता है तो उसको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक पंख चाहिए, एक हवा चाहिए। पंख है, हवा है, तभी उड़ सकता है, अदरवाइज नहीं उड़ सकता है। इन बच्चों के उड़ान के लिए भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग पंख दे रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो हवा दे रहे हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही बच्चों को आगे फ्यूचर में ले जा सकता है। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि इस लेवल पे आगे इस चीज पर परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पे परफॉर्म करना इतना सिंपल नहीं होता। मैं बता दूं, मैं तो गांव से, आई थिंक एज तक मैं गांव में पढ़ा हूं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जहां शायद आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मुझे मेरी आवाज पहले बहुत पतली थी, अभी मोटी हो गई है। तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम लोग को संग देशभक्ति गाना गाने का मौका मिलता है उसमें करके। आप समझ लो साल भर में 2 बार मिलता था, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। बट जब स्टेज में खड़े होते थे ना तो उसमें कहीं कहीं आवाज लहराती थी, कहीं कहीं मतलब पैर भी कांपने लगता था शुरू शुरू में। बट धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे स्टेज पे
परफॉर्म करने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव कर दी गई और ये हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। कोई भी स्पीकर हो, कोई भी कितना बड़ा स्पीकर हो, जब कहीं खड़ा होगा कहीं पब्लिक को एक बार उसको बोलना पड़ता है, थोड़ा सा तो धक से करता है। आई थिंक आप लोग एग्री करोगे, जो लोग इस चीज पे बोलते हैं कुछ करते हैं वो अच्छा भी और बुरा चीज नहीं है, इसलिए कि आपको अलर्ट करता है, आपको जागरूक करता है कि आपको क्या चीजें बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना उसको। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और पेरेंट्स इसको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, हमारे पूरे रेणु सागर का नाम रोशन करेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और कई एक्टिविटीज में देखा हूँ, जैसे प्रिंसिपल साहब भी जो शेयर करते हैं, इंडिविजुअल रेणु सागर पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आई थिंक क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही बहुत जरूरी है और उसमें पेरेंट्स को हमेशा ये नहीं फोकस करना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, सेकेंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया। रैंक से कोई मतलब नहीं होता, जो टैलेंट होता है वो रैंक के बेस पे डिसाइड नहीं होता है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। इसलिए अगर आप लोग अपने बच्चे को देखिए, उसमें अगर लगता है कि नहीं वो सिंगिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, आप उसको ओपन स्पेस दीजिए, लगता डांसिंग में कर सकता है डांसिंग में दीजिए, लगता किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो उस फील्ड में उसको जाने दीजिए। पहले ट्रेंड था, आज से मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पहले ट्रेंड था कि नॉर्मली बच्चों को पेरेंट्स यही बोलते थे कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ठीक है। टाइम चेंज हो गया है, आज की डेट में बहुत कम लोग बच्चों से बोलते कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बाकी प्रोफेशन है, आप सीए पे सीए बन सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और अभी इतना कोई लिमिटेशन नहीं है और जो बच्चे जितना इनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, आई थिंक मतलब ये किसी भी फील्ड में जाके एक्सलेंट काम कर सकते हैं उसमें। तो इसलिए बच्चों को आप कहीं रोके नहीं और रैंक के पीछे न पड़े उसमें, ये मेरा पेरेंट्स को सुझाव है। टीचर्स डेफिनेटली आप लोग अच्छा कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। एकेडमिक पे भी थोड़ा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो होती है, एक बेसिक नॉलेज होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आप जो बेसिक नॉलेज है उसको भी दे सकें और जो एक टैलेंट जो उनको डेवलप करना उसको भी कर सके। प्रिंसिपल साहब साथी के रूप में स्कूल को अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, अभी परफॉर्मेंस मैं देख रहा था तो काफी अच्छा है। एक बच्चे जो अच्छा परफॉर्म किए उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट। प्रोग्राम देख के आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बहुत पुराने हैं देखे होंगे कि हर साल जो स्कूल का प्रोग्राम होता है ना, एक ग्रेड का होता है, ये लोग अपने को बेंचमार्क करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसी बेंचमार्क को तोड़ देते हैं, नया बेंचमार्क सेट करते हैं। आई थिंक मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जैसे इस साल प्रोग्राम हो गया, अब नेक्स्ट ईयर करना, तो नेक्स्ट ईयर का सोचना कैसे करना, कैसे चेंजेस लाने हैं, क्या नया चीज एड करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो टैलेंट के साथ साथ में हमारे टीचर्स के अंदर डेफिनेटली क्रिएटिविटी भी है, ये लोग बच्चों को नए नए थीम पे लेके आते हैं, नया एक्ट लेके आते हैं जिसमें बच्चों को मेहनत करके मेहनत कराते हैं लोग, इसके बाद उनको तैयार करते रेडी करते हैं उसमें। तो स्कूल इज डूइंग ग्रेट, बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। खाली बच्चों से एक रिक्वेस्ट मेरा और है कि बाकी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो, पढ़ाई में भी फोकस करना, संगति सही रखना, गलत मत रखना, यही पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप जितना फोकस करोगे उतना आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज एक बार 12th का पीरियड निकल गया ना, फिर तो संभलना और लाइफ का एक राइट डायरेक्शन में जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर और अभी जो प्रोग्राम हमने किया उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।
प्रवक्ता थे उसमें, तो हमारे विद्यालय के बेस्ट लेक्चरर्स का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो मैं चाहूंगी कि मुख्य अतिथि महोदय ने कल दोनों से मैडम के लिए प्रमाण पत्र दें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग मैडम के लिए। डॉक्टर श्रीमती वीरा पाणी, जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र के द्वारा ये प्रमाण पत्र मैडम को मिला है। जोरदार तालियां बजाई, भाई खुशी से आवाज दी जा रही है। यस सर, ओके, थैंक यू। शुरू करो बेटा। कव्वाली इज एन इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कव्वाली संगीत की एक लोकप्रिय विधा है जो अपनी पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में कई शताब्दियों का इतिहास समेटे हुए है, जो 8वीं सदी में ईरान और अफगानिस्तान में दस्तक देने वाली संगीत की अनोखी विधा शुरुआती दौर से ही सूफी रंगत में डूबी रही। भारत में इसका आगाज सूफी संतों ने किया है, जहां कव्वाली के सूफियाना रंगों में देशभक्ति प्रेमानुभक्ति सामान्य नोकझोंक से लेकर सामाजिक सरोकारों से वाबस्ता तमाम रंग जुड़ते गए। आज के इस अवसर पर हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कव्वाली अस्मते हिंद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Thank you.
इन बच्चों ने हमारे जिले का, संस्थान का और अभिभावकों के साथ साथ विद्यालय का मान बढ़ाया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे हिंदी अध्यापक श्री चंद्रशेखर तिवारी जी के कुशल मार्गदर्शन में इन बच्चों ने असाधारण उपलब्धि हासिल की, तो इसके लिए मैं चंद्रशेखर तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जो इनको प्राप्त हुआ है, वो मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ग्रहण करें। हमारे विद्यालय की छात्रा काजल सोनी, पुत्री श्री विनोद सोनी ने आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा आयोजित पोस्टर कॉम्पिटिशन में सीनियर ग्रुप में भाग लिया और 42 विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी स्थान कर रही। और इसके पीछे आप लोग समझ सकते हैं किसका हाथ होगा, हमारे कला अध्यापक श्री अरविंद तिवारी जी का। तो अरविंद के लिए भी जोरदार ताली बजे। चलिए
ये है जाना पहचाना चेहरा अरविंद तिवारी, ये हमारे कला अध्यापक है और इन्होंने काजल के पोस्टर कॉम्पिटिशन में अपना मार्गदर्शन दिया था। और अब आज की हमारी शुभ संध्या में जो हमारे साथ हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये भी सबके जाने माने हैं, यहाँ पे म्यूजिक सिखा रहे हैं ये बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल। और सूफी आबशार सिंथेसाइजर पर इन्होंने संगत किया, इनकी भूमिका अगले प्रोग्राम को वाली में भी है इन दोनों बच्चों का, तो हम एक छोटा सा इनको तोहफा देकर इनको सम्मानित करना अपने विद्यालय की ओर से। यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स और यहाँ पे हमारे उपस्थित कलीग्स और सारे लोग, दरअसल ये जो कार्यक्रम पूरा आपने देखा उसका जो स्तर था, जो उसका जो क्वालिटी था, वो देख के आपको लग रहा होगा कि किस स्तर का जो उनको ट्रेनिंग या तैयारी जो है हमारे टीचर्स ने कराई है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि उन सभी के लिए, उन बच्चों के लिए और उनके जो कोरियोग्राफर या उनके जो सिखाने वाले लोग हैं उनके लिए जोरदार तालियां। मुझे ऐसा पता है कि पिछले 15-20 दिनों से, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा से ही प्रिंसिपल साहब इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा स्कूल एक उत्सव के रूप में, पूरे इस कार्यक्रम की तैयारी के रूप में लगा हुआ है। तो उसका आज जो परिणाम है वो हमको देखने को मिला और वो निश्चय ही जो आपका ये प्रस्तुति था ओवरऑल ये बहुत ही उत्कृष्ट था और उत्कृष्टतम कह सकता हूँ मैं इसको। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स, टीचर्स और जो सिखाने वाले लोग हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि शिक्षा को का जो उद्देश्य है, जो व्यापक उसका जो स्वरूप है, वो ये है कि एक शिक्षा के जो केंद्र हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे एक अच्छे इंसान के रूप में आपको, एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको डेवलप किया जाए। मेरे ख्याल से उस तरह की शिक्षा का हमारा स्वरूप होना चाहिए। और आज आपने जो सब्जेक्ट बेटर चुना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनफैक्ट ये जो विविधता है, जो भारतीय संस्कृति की जो डाइवर्सिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है और इसको सजोए रखने में हम सभी का बहुत बड़ा योगदान है, पर्टिकुलरली स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अपने हम जो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो उनको बच्चों के मन में जो संदेश हम देते हैं, वो शायद उनको सारी जिंदगी वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके बीच में रहता है। तो ये सब्जेक्ट चुनने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम था, इसको आयोजित करने में आप सभी लोगों का जो योगदान है उसको मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसको और भी आप आगे लेके जाएंगे। चूंकि मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिंसिपल साहब आपको यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ अब समय है वोट ऑफ थैंक्स का, जिसके लिए मैं अपने कली मिस्टर वी के चौबे को आमंत्रित करता हूँ पोडियम पर। आपने बहुत प्रतीक्षा की है और देर तक कार्यक्रम अपने देखा है, अब बारी है धन्यवाद ज्ञापन। सबसे अंत में यही मर्यादा है, यही शिष्टाचार है कि हम उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, अपनी आभार प्रदर्शन करें जिन लोगों ने आज हमारे इस अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान की है, हमारा मान बढ़ाया है। तो सबसे पहले, यद्यपि मुझे सबसे अंत में यूनिट हेड साहब का आभार व्यक्त करना चाहिए था, क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया हैं और हमारे ABIC रेणुकूट के दोनों प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य पधारे हैं, अगल बगल के स्कूलों के हमारे प्रिंसिपल्स पधारे हैं, ABDIC सरस्वती अम्बेडकर विद्यालय के DIC अंपरा के
हमारे प्रिंसिपल पधारे हैं और मीडिया के लोग पधारे हैं, गणमान्य अतिथि और हमारे यहाँ स्वयं रेणु सागर के और प्रबंधन के लिए लोग पधारे हैं। लेकिन सबसे पहले सब लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी, अपना समय दिया, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे कि अभी भी इंडियन एयरलाइंस के विमानों में वीटी लिखा रहता है। अब वीटी का अर्थ विक्टोरियन टेरिटरी, लेकिन जब से हमारे नए यूनिट हेड साहब आए हैं तब से हमारा राणा रेणु सागर आईटी हो गया है, इंडियन टेरिटरी। अब उम्मीद जगी है, हम अपनों से अपनों के बीच अपनी बात अपनी भाषा में करें। हमारा हिंदी माध्यम का स्कूल है और आजादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि देश ने एक विपरीत मार्ग पकड़ा और हम अपनी जड़ों से कटते चले गए, अपने मूल से दूर होते चले गए और हिंदी मीडियम स्कूल्स बिल्कुल ही अकेले पड़े। समय की धारा में समय के मूल समय के साथ बढ़ नहीं पाए, आप सब देख रहे हैं, कहना ना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। तो हम अपने विद्यार्थियों से यह कहना चाहेंगे कि आपने जो कार्यक्रम में भाग लिया है, जो हिस्सा लिया है और जो आपने मैसेजेस दिए हैं, हमारा एक विद्यालय का कार्यक्रम है, हमारा इंटरटेनमेंट का अभी फील्ड नहीं है, हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूर हमको कोई ना कोई मैसेज देना है, हमको समाज को कोई संदेश देना है। तो हमारे जितने कार्यक्रम थे लगभग सारे कार्यक्रम कुछ न कुछ बात कह रहे थे, कुछ न कुछ मैसेज दे रहे थे और श्रोताओं से उम्मीद कर रहे थे कि आप हमारे मैसेज को रिसीव करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, उनको महत्व देंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जितने विभाग हैं, HR, ER, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिक्योरिटी, गेस्ट हाउस, कैंटीन, रेणु पावर प्राथमिक पाठशाला, हमारा ABPS, आप सभी ने अपना अमूल्य सहयोग दिया है। आप सभी विभागाध्यक्षों को, आपकी पूरी टीम के साथ हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और कार्यक्रम के अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि आप जो देख रहे हैं हमारे इस सारे कार्यक्रम के मूल में कर्ता धर्ता, इसके पूरे आयोजन करता, इस सबको कोऑर्डिनेट करने वाला, एक राइटर ने लिखा है कि एक टीचर का जीवन एक पगडंडी का जीवन, विद्यार्थी इसी पगडंडी से चल के फिर अपने जीवन का हाईवे पकड़ते हैं। तो हमारे बीच में हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया, सारे बिखरे हुए तंतुओं को समेटा, सबको एक दिशा दी, सबको एक केंद्र दिया, सबका मार्गदर्शन किया, सबको सहूलियतें दी। तो पूरा विद्यालय परिवार और विद्यालय परिवार से जुड़े जितने घटक, हम सभी माननीय प्रधानाचार्य महोदय के आभारी हैं। सभी लोग एक बार ताली बजाकर माननीय प्रधानाचार्य महोदय का आभार। अभी एक दिन पहले डॉक्टर JP ओझा ने इनक्रेडिबल रेणु सागर पर एक डाला था, नेशनल मैथमेटिक्स डे पर श्री श्रीनिवास रामानुजन का एक लाइन डाला था, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। गणित का कोई भी सूत्र मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता जब तक कि वह एक ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई विचार मुझे नहीं दे देता। और आपने जो मीरा वाला देखा था, मैं फिर कहना चाहूंगा, भारतवर्ष आने वाले समय में अपनी बात कहेगा, और जो इंटीग्रेशन, जो हाई लेवल का इंटीग्रेशन भारत भूमि पर हुआ है, पूरा विश्व पलकें बिछाकर उसका इंतजार कर रहा है। हम लोग वो दिन जरूर अपनी आंखों से देखेंगे जब पूरा विश्व भारत के इस इंटीग्रेशन को, क्योंकि पूरी दुनिया में विश्व के किसी कोने में यह इंटीग्रेशन संभव था नहीं,
है भी नहीं और आगे होगा भी नहीं। तो भारतवर्ष अपनी बात कहेगा। और इसी के साथ एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रिया करूं तेरा तो कहां तक करूं, मैं शुक्रिया करूं तेरा तो कहां तक करूं, मैंने सिर झुकाया कम तेरे एहसान बहुत है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। नवरात्र काल का समय है। चौबे जी के धन्यवाद के स्वरों में एक स्वर मेरा भी कि मन के उद्गार व्यक्त करता हूं और उपकार व्यक्त करता हूं। मैं कृपा का कृतज्ञ हूं सबकी, सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड मैनेजर स्कूल एंड मैडम एंड ऑल द डिग्निटरीज टू प्लीज टर्न अप टू द स्टेज एंड ज्वाइन अस फॉर नेशनल एंथम। Take me to the sky. Promise you won't forget.